हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक सामल और मेरे पास है गैलेक्सी M55S 5G जिसमें लगा है आपका पैटर्न लॉक। तो कैसे इस लॉक को रिमूव करेंगे आज वीडियो में हम जानेंगे। तो लॉक को रिमूव करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितना भी डाटा है फ़ोन में सब कुछ आपका डिलीट हो जाएगा। आपका फ़ोन में मिनिमम 50% चार्ज भी होना चाहिए और आपको अपना मेल आईडी और पासवर्ड याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं अभी प्रोसेस में कैसे क्या करना है। देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा वॉल्यूम प्लस माइनस पावर ऑन की, तो इसको हार्ड रिसेट करने के लिए तो पहले मैं ट्राई करता हूँ, नॉर्मली ट्राई करता हूँ स्विच ऑफ करके। अगर नहीं होता तो आपको केबल डाटा केबल को यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या करना है, पहले वॉल्यूम प्लस माइनस पावर ऑन की एक साथ प्रेस करना है, ऐसे पूरा फ़ोन को ऑफ कर लेना है। अभी छोड़ दीजिए, अभी वॉल्यूम ऑफ फिर से पावर ऑन की को प्रेस करना है। तीनों की को एक साथ छोड़ देना है, उसके बाद धड़ाक से वॉल्यूम प्लस और पावर ऑन की को प्रेस करके रखना है ऐसे। अभी पावर की को छोड़ दीजिए, वॉल्यूम प्लस को इसे पकड़ के रखना है। अगर इसमें नहीं होता है आपका, अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर फिर भी ये वीडियो देखने के बाद नहीं होता है तो आपको इस डाटा केबल को यूज़ करना है। एक डाटा केबल को आपका पीसी के साथ या फिर लैपटॉप के साथ यूज़ करना है, तो शायद ये नहीं होगा। नहीं हुआ ना। देखिए तो कैसे होगा, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको एक डाटा केबल दिखाई दे रहा होगा जो कि पीसी के साथ कनेक्ट है पीछे। आपको ऐसे ही कोई केबल पीसी के पीछे या फिर लैपटॉप का जो साइड में यूज कर सकते हैं। तो केबल को पहले इंसर्ट कर लेना है, फ़ोन आपका हो जाएगा अभी चार्जिंग में। हो गया चार्जिंग में, अभी तीनों की को एक साथ प्रेस करना है। जब ऑफ हो जाए तो तीनों की को छोड़ देना है, वॉल्यूम प्लस ऑफ हो गया, अभी वॉल्यूम प्लस पावर ऑन की को प्रेस करना है। केबल लगा हुआ है, ठीक है, केबल लगाने से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी छोड़ दीजिए पावर की को, वॉल्यूम प्लस को पकड़ के रखना है ऐसे। आ गया। तो इस तरह आप कर सकते हैं, वॉल्यूम माइनस से सिलेक्ट करना है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, फिर से पावर ऑन की को प्रेस करना है, फिर से नीचे आना है फैक्ट्री डाटा रीसेट पर, फिर से पावर ऑन की को प्रेस करना है। तो हो गया फोन फॉर्मेट, यहाँ पर रिबूट सिस्टम नाउ, फिर से पावर ऑन की को प्रेस कर लेना है। ओके, तो अभी फ़ोन ऑफ होके फिर से ऑन होगा, तो आपको वेट करना है पूरा फ़ोन ऑन होने तक। तो अभी पावर की को केबल को निकाल लीजिए, अभी कोई केबल का जरूरत नहीं है, लेकिन आगे आपको पूछेगा अपना मेल आईडी और पासवर्ड, तो वीडियो में बने रहिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक्चुअली इसमें मेल आईडी और पासवर्ड लॉगिन, प्ले स्टोर इसमें लॉगिन नहीं है, तो ये मुझे FRP नहीं पूछेगा, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जरूर पूछेगा क्योंकि आपका मेल आईडी और पासवर्ड लॉगिन होगा उसमें प्ले स्टोर में। तो आपको उसी मेल आईडी और पासवर्ड को देकर ये वो वाला जो FRP सेटअप करना है आपको, नहीं तो आप वहाँ से फॉरगेट भी कर सकते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है अभी, तो वीडियो में थोड़ा बने रहिए, ये इसको आने देते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आ गया, यहाँ पर स्टार्ट करना है आपको। आई हैव रीड ऑल द एग्रीमेंट, एग्री कर लीजिए। सेटअप मैनुअली,
देखिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे स्कीप का ऑप्शन आ रहा है लेकिन आपको नहीं आएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, चूज ए वाईफाई, किसी भी वाईफाई के साथ फ़ोन को कर लेना है कनेक्ट। ठीक है, ऐसे अभी आ गए वाईफाई के साथ, फ़ोन को कर लीजिए कनेक्ट। उसके बाद पूछेगा अपना मेल आईडी, और उससे बाद शायद आपको पैटर्न पूछेगा, उसके नीचे लिखा होगा यूज योर गूगल अकाउंट। ठीक है, ये सब करके आप ये सेटअप को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे अभी, मैं लॉगिन नहीं हूँ इसलिए मैं यहाँ पर स्किप कर दे रहा हूँ। स्किप आपका स्किप नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। तो सक्सेसफुली यहाँ पर स्किप एनीवे, और यहाँ पर एग्री, नेक्स्ट। और नेक्स्ट फिनिश। सक्सेसफुली जो लॉग था यहाँ पर अभी ये हट चुका है। ठीक है, देखिए लॉग अभी यहाँ से जा चुका है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।